पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार से जुड़ा विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से जुड़ा यह मामला मध्य प्रदेश से आगे अब देश की खबरों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवादों का नाता गहराता जा रहा है। अब ताजा मामला बालाघाट का है। जिले के परसवाड़ा भादुकोट में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा आयोजित हुई, जिसमें बालाघाट के विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन भी दरबार में पहुंचे। जब वे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने मंच पर जाने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री के बाउंसरों ने उन्हें रोक लिया। विवाद बढ़ा तो धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, जिसके बाद गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी गुस्से में दरबार से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारी गौरीशंकर बिसेन को मनाने की कोशिश करते रहे। हालांकि इस मामले में गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि वो मंच पर गए थे, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन नहीं हो पाए। थोड़ी गहमागहमी हुई, लेकिन विवाद जैसी कोई बात नहीं है। बाउंसर उनके सुरक्षा गार्ड ने कहा कि सर, गुरुदेव इस समय में किसी से नहीं मिलते, थोड़ा एक कार्यक्रम हो जाए फिर हम आपको बुलाएंगे। अब शब्द का न तो उनके घर में ने उपयोग किया, न हमारे घर में ने किया। मेरी बेटी दूर कहीं बैठी रही होगी, उसको लगा कि मेरे पापा को रोकते हैं। प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने इस रामकथा का आयोजन किया था। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। अब गौरीशंकर बिसेन भले ही मंच पर हुई घटना को मामूली बता रहे हैं, लेकिन घटनाक्रम का वीडियो कुछ और ही कह रहा है। तो छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अक्सर विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है और विधायक गौरीशंकर बिसेन के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री की तरह विधायक गौरीशंकर बिसेन का भी विवादों से पुराना नाता रहा है। वो राजनीतिक टिप्पणियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना हंगामा होने के बाद भी उनके तेवर नरम है? चलिए खबर के पीछे की खबर को हम डिकोड करते हैं, उसे समझते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार को मानने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में लोकप्रिय हैं और मध्य प्रदेश में खास तौर पर इनकी पकड़। इनकी कथा पंडालों में उमड़ती भीड़ में राजनीतिक दलों को संभावित वोटर्स नजर आते हैं और यही वजह है कि चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दोनों ही बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा चुके हैं और वो तस्वीरें आपने भी देखी है। इसके साथ ही राजनीति में कथा नीति का फॉर्मूला भी इन दिनों काफी आजमाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के मंत्री कथाओं के जरिए अपना समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये आयोजन प्रदेश के ही आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे का है। ऐसे में गौरी शंकर बिसेन भले ही धक्का मुक्की से नाराज हो गए हों, लेकिन इसे तूल देकर ना तो वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से नाराजगी मोल ले सकते हैं और ना भाजपा से और ना ही अपने संभावित वोटर्स को नाराज कर सकते हैं। जाहिर है बिसेन ने चुप रहकर कई समीकरणों को साध लिया होगा।